हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसबी। हमारे पहले और दूसरे वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए शुक्रिया। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग जीएस सीरीज के सेट नंबर 3 करने वाले हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग सेट को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के समीप से होता है, तथा ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह एक प्रायद्वीपीय नदी है तथा यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने हेतु सिफारिश की थी? तो इसका आंसर होगा एल.एम. सिंघवी समिति या लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, जैसे पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए टोटल 29 सब्जेक्ट्स प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत? तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत, तथा इसका वर्णन अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189। विश्व बैंक के साथ IMF का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसका कारण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ, जहां सभी मेंबर्स के लाभ और हानि से निपटने के लिए इस सम्मेलन में IMF और IBRD, जिसको अभी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक कहते हैं, की स्थापना की गई। और कब की गई? 1944 में। तो वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहते हैं। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये आंसर करना है कि विश्व बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट उस घटना को कहते हैं जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के कारण प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और किस रंग का सबसे कम? तो वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है प्रकीर्णन और रेड कलर का सबसे कम होता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक के निकट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये नदी गोदावरी तथा कृष्णा प्रायद्वीपीय नदियां हैं तथा ये एक साथ कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो ये आप लोग सब जानते होंगे, राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाती है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 113(3) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सी है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन पूछ रहा है, तो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। और रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेखमाला का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष भी एक क्रांतिकारी रह चुके हैं, जिनका हमारे देश के आजाद होने में महत्वपूर्ण योगदान है।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई थी। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी तथा प्रांतों से द्वैध शासन को हटाया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन लाया किस अधिनियम के तहत गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लाया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही बर्मा को एक नया देश बनाया गया जिसे अब म्यांमार बोलते हैं, और इस एक्ट के तहत ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्रण क्या होता है? अपकेंद्रण को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, मतलब कोई भी वस्तु का केंद्र से बाहर जो फैलाव होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, इसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता के पिता के नाम से किसको जानते हैं? तो अनुवांशिकता के पिता के नाम से ग्रेगर जोहान मेंडल को जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के अभिलेख कितने लिपि में लिखे गए हैं? तो चार लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 65th बीपीएससी में पूछा भी गया था कि कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है, तो इसका आंसर होगा खरोष्ठी लिपि। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा और कौन सा अभिलेख सबसे छोटा है? तो सातवां अभिलेख सबसे बड़ा और रुमी देई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में गद्य एवं पद्य दोनों की रचना की गई है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। वेदों की संख्या टोटल चार है जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे अंत का वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 17। अब अस्पृश्यता अधिनियम जो था 1955, उसे 1976 में संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। अस्पृश्यता शब्द मतलब अनटचेबिलिटी शब्द का को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, ना तो इसको किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम क्या होता है? तो कौन सा होता है? तो लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारा के मिश्र धातु क्या कहलाते हैं? पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंग्लो मोहम्मद मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। प्रेरीज घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी ऊर्जा सौर ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, और सूर्य अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन, वहां पे चार हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक बड़े हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो उसे ही नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका मुख्य अवयव है प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी में एलपीजी बहुत ज्यादा प्रज्वलनशील होता है, इसलिए इसको इस मेल के लिए इसमें सल्फर का एक यौगिक मिथाइल मरकैप्टान डालते हैं, ताकि इसको जब भी इसका लीकेज हो इसको इसके स्मेल से पहचाना जा सके और दुर्घटना से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान की होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी थाइज की मतलब जांग की होती है, जिसको फीमर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है
भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।